हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने इंस्टाग्राम के मैसेज में ऑटो रिप्लाई को सेट करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे यूजर घर पे स्टडी करते हैं या क्लासरूम में रहते हैं या किसी काम में बिजी रहते हैं। इसी के बीच में इंस्टाग्राम पे उनको मैसेज आता है लेकिन उनको रिप्लाई नहीं मिल पाता है। लेकिन आप इंस्टाग्राम के ऑटो रिप्लाई फीचर की मदद से आप जिसको चाहे उसको आप बिना टाइप किए हुए मैसेज को सेंड कर सकते हैं। और ये सेटिंग हम अपने अकाउंट पे करके आपको दूसरे अकाउंट से मैसेज भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से ऑटो रिप्लाई वर्क करता है। तो अब यहाँ पे ऑटो रिप्लाई को सेट करने के लिए यहाँ पे हम अपने फोन में इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद यहाँ पे हम प्रोफाइल पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक और बात ध्यान में देना है कि आपका अकाउंट प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट होना चाहिए। आपका अकाउंट कन्वर्ट नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देख आप अपने अकाउंट के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आपको अपने अकाउंट के 3 डॉट पे ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स का। यहाँ पे आपको बिजनेस का भी ऑप्शन मिल सकता है। सिंपल से आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसी ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। सिंपल से आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। तो आपके फोन में ये वाला ऑप्शन है जो ऑफ रहेगा तो सिंपल सा इसको ऑन कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाला ऑप्शन को सिंपल सा ऑन कर देना है जो हमने पहले से ऑन किए हुए। ऑन करने के बाद यहाँ पे हम शुरू से प्रोसेस बता देते हैं। तो जो हमने सेट किए हुए हैं उसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दो मैसेज को सेट किए हुए थे तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं। जैसे हमने डिलीट कर दिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से ऑप्शन आ गया है एड ए क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई अगले यूजर हमको हाई मैसेज किया, यहाँ पे आपको ऊपर हाई टाइप कर देना इस तरह से। तो अगले यूजर हाई टाइप करेगा तो हम इसको क्या रिप्लाई देना चाहते हैं वो हम नीचे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हेलो टाइप कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको ऊपर सही टिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको एड हो गया। तो कोई अगले यूजर आपके अकाउंट पे हाई टाइप करता है तो उसको ऑटोमेटिक हेलो चला जाएगा। इसी के साथ और भी रिप्लाई एड कर सकते हैं। आपको नीचे एड क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पे और भी एड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कोई हेलो हमको टाइप करेगा तो हम उसको क्या रिप्लाई देना चाहते हैं वो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम ऊपर सही टिक पे क्लिक कर देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में होगा क्या कि अगले यूजर हमको हेलो टाइप करेगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक व्हाट कैन आई हेल्प यू का मैसेज है जो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो इस तरह से सेट कर लेने के बाद अब हम बताते हैं कि अगले अकाउंट पे किस तरह से मैसेज जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने अकाउंट को रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम दूसरे अकाउंट को हम अपने फोन में लॉग इन कर लेते हैं। और लॉग इन करने के बाद यहाँ पे हम सर्च बार में जाते हैं और यहाँ पे हम अपने अकाउंट को सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे हम मैसेज वाला ऑप्शन में जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम सेट किए हुए हैं वो यहाँ पे देखने को मिल गया। तो जैसे यहाँ पे हम हाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हेलो यहाँ पे टाइप करके दे देगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑटो रिप्लाई को सेट करना काफी इजी था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल आरपी टेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।